अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो मेरी रिमोट की प्रोडक्ट पर है। मेरे पास इनका एक्टिवेट ऑक्सीजन सेल एनर्जी एलिमेंट है, ठीक है। इसका रिव्यू आज हम करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं इसकी प्राइस से हम स्टार्ट लेते हैं। तो ये हमें 1400 की 250 ml की पैकेजिंग मिलती है। तो इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका बेनिफिट क्या है और इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। और इसको हम यूज़ करते हैं जो हमारे रफ़ बाल हो जाते हैं, जिन बालों का हमारा कैरेटिन वगैरह जिन बालों में ख़त्म हो जाता है, जो बाल हमारे कट डाउन और स्टिकिंग हाइलाइट्स और मतलब जो बालों के ट्रीटमेंट होते हैं वो सब कुछ करवा करवा के हमारे बालों का हाल ख़राब हो जाता है। तो उसके बाद जब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो हमारे माइंड में जो ट्रीटमेंट आता है उसमें एक ये वाला भी नेम आता है, ठीक है। हमारे माइंड में जो नेम्स आते हैं उसके साथ एक ये वाला भी नेम ऐड होता है। तो ये हम किस तरह यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और भी इसका बेनिफिट है, ठीक है। जैसे क्यूने के वो है ना बोन फ्यूजन, प्रोफेशनल लेवल पे जब पॉलर में यूज़ होते हैं क्यूने के बोन फ्यूजन के, जब आप कट डाउन वगैरह कर रहे हैं और अपने बालों को 10 टू 12 लेवल तक लिफ्ट कर रहे हैं, तो आप उसमें बोन फ्यूजन ऐड करते हैं बालों की सेफ्टी के लिए, कि आपके बाल जब आप लिफ्टर यूज़ कर रहे हैं तो आपके बाल डैमेज ना हो, ठीक है। तो अगर वो क्योंकि क्यूने प्रोडक्ट तो वैसे भी महंगा है, तो बोन फ्यूजन की बात की जाए तो वो उससे भी ज़्यादा महंगा है। तो अगर आप चीप प्राइस में कुछ उस टाइप की चीज़ बाय करना चाहते हैं तो आप ये ब्री मोड का ऑक्सीजन सेल बाय कर लें, ठीक है। इसमें क्या है, ये आप कट डाउन में ऐड करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ये किस चीज़ के लिए काम करेगा, ये आपका एज अ बोन फ्यूजन ही काम करेगा, लेकिन चीप प्राइस में, ठीक है। आप इसको कट डाउन में भी यूज़ कर सकते हैं, जब आपको सिल्वर ग्रे की तरफ जाना हो तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बाल डैमेज हैं, फ्रिज है, इसके अलावा शाइनी नहीं है, स्ट्रेट नहीं लगते और टैंगल्स बहुत ज़्यादा आपके बालों में हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को आप अवॉइड करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने का मेथड क्या है, इसको हम शैम्पू करने के बाद अपने बालों पर प्रॉपरली अप्लाई करेंगे जितनी अमाउंट हमें चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट भी नहीं लेनी इसकी और बहुत कम भी नहीं लेनी कि आपके बालों को वो अमाउंट कवर ही ना कर सके, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसकी अपने बालों के हिसाब से अमाउंट लेनी है और उसको आपने 3 टू 5 मिनट अपने बालों में लगे रहना है, ठीक है, लगे रहने देना है। क्योंकि जब हम सीरम यूज़ कर रहे थे तो वो हम कैसे यूज़ कर रहे थे, वो हम वॉश करने के बाद यूज़ कर रहे थे। ब्रीमोर का जो सीरम है वॉश करने के बाद हम उसको यूज़ करते हैं और उसके बाद हम बालों का वॉश नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा जो हम मास्क यूज़ करते हैं वो हम वॉश करने के बाद यूज़ करते हैं, वेट बालों में ही यूज़ करते हैं और उसको हम 15 मिनट तक छोड़ते हैं। लेकिन ये जो ऑक्सीजन सेल है ये हम वॉश करने के बाद यूज़ करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको 3 से 4 मिनट ही छोड़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ते। इसको हमने सिर्फ 3 से 4 मिनट ही अपने बालों पे लगे रहने देना है और उसके बाद हमने इसको वॉश कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके बाल जो फ्रिज वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये आप सेपरेट यूज़ ना करें, इसको आप मास्क में ऐड करके यूज़ करें तो आपको इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। जो ऐसे भी ये सिंपल भी आपको रिजल्ट देगा, कभी आप जल्दी में हो तो आप इसको सेपरेट यूज़ कर सकते हैं, मतलब 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो आप इसका मास्क बाय करें और उसके मास्क के साथ ही इसको यूज़ करें, ठीक है। और उसके साथ अगर आप सीरम बाय कर लेते हैं तो सीरम तो वैसे भी आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो कोई भी ऐसी लड़की नहीं है जो अपने बालों पे आयरन वगैरह नहीं यूज़ करती। तो वो सीरम से ये क्या होगा कि आपके बाल प्रोटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसका सीरम भी बाय करें, मास्क बाय करें और उसके साथ ये एंटी सेल बाय करें और इन तीनों को मिक्स करके फिर यूज़ करें, तब भी आपका रिजल्ट अच्छा होगा। और अगर आप इसको सेपरेट यूज़ करते हैं तब भी आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर किसी का क्वेश्चन है इसके हवाले से तो वो भी मुझे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।